मलदैया स्थित सिंह मेडिकल एवं रिसर्च सेंटर के निदेशक डॉक्टर अशोक सिंह को उनके ही सगे भाई से जान का खतरा है। उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। उनका कहना है कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। प्रयागराज में हाल ही में राजूपाल हत्याकांड के अहम गवाह की हत्या को देखते हुए मैं इस धमकी को हल्के में नहीं ले रहा हूं। मैं चाहता हूं कि प्रशासन को इस पर गंभीरता से जांच कराना चाहिए। मलदैया स्थित अस्पताल परिसर में सोमवार को प्रेस वार्ता में बताया कि मामला संपत्ति से जुड़ा है। गाजीपुर में हमारी पैतृक संपत्ति है और नए कानून के मुताबिक उसमें बहनों का भी हक है। मैं बहनों को भी उस संपत्ति में हक दिलाना चाहता हूं, लेकिन मेरा भाई और उसकी पत्नी बहनों को संपत्ति में अधिकार देना नहीं चाहते। उन्होंने बताया कि इस मामले में वह पिछले 4 साल से जिला व पुलिस प्रशासन को पत्र भेजकर शिकायतें कर रहा हूं, लेकिन कार्यवाही नहीं की गई। उनका कहना है कि विवाद और धमकी के पीछे गाजीपुर के एक नेता का हाथ है। उन्होंने बताया कि धमकी के बाद उन्होंने अपने भाई से बात भी की, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं है। डॉक्टर अशोक सिंह ने बताया कि मेरे भाई के जरायम जगत से जुड़े लोगों से संबंध है, इसलिए मैं उसकी धमकी को हल्के में नहीं ले रहा हूं। अगर मुझे कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। छोटे भाई हैं जो प्रॉपर्टी को लेकर शुरू से ही उनकी निगाह रही है कि काफी प्रॉपर्टी गाजीपुर के अंदर है, उसमें उनकी निगाह रही, उनकी और उनकी पत्नी की शुरू से ही निगाह रही कि इसको हमको किसी तरह से लेना, किसी को नहीं देना। एक कानून है कि बाहर में यदि कोई है नगर निगम से तो उसमें जो है जो भाई रहते हैं उनको हिस्सा मिलता है, और नगर निगम के अंदर है यदि कोई मकान है या कोई प्रॉपर्टी है तो उसमें बहनों को भी समान रूप से हिस्सा मिलता है। हमारे भाई साहब और उनकी औरत जो है इसको जो है देना नहीं चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि सारे बहनों का और सब लोगों का रहना चाहिए, क्योंकि उन लोगों का एक मानसिक लगाव भी है ना, बचपन गुजरा उसी मकान में, लोग चाहती हैं लेकिन वो देना नहीं चाहते हैं और कब्जा करके बैठे हैं। उस संबंध में हमने सारे पेपर सारे कागजात जो है संबंधित अधिकारियों को हमने दे दिए हैं। न जिलाधिकारी ने उस पर कोई एक्शन लिया गाजीपुर के, न पुलिस महानिरीक्षक ने कोई लिया, और एक बार 4 साल से मैं लगातार लिख रहा हूँ। अब सवाल यह है कि सबसे अच्छे संबंध है, मैं किसके खिलाफ कुछ बोलने जाऊँ, लेकिन जो कार्य वो कर रहे हैं उस कार्य से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। ऐसे काम नहीं होना चाहिए। तो आपको धमकी मिली है इसके लिए कुछ? नहीं नहीं, धमकी तो जान से मारने की धमकी देके गया, और वही उसकी बीवी जो है धमकी दिलवाई और साथ में थी, मोबाइल पर बात करा करा के सभी सारी बहनों को हमको भी धमकी दिलवाई, या तो हम रहेंगे या आप रहेंगे। हम कहने नहीं, ठीक है आ जाओ कल मुलाकात करने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। और मैं अकेले उससे वार्ता करने के लिए गया ताकि वो ये ना समझे कि मैं उसके डर के मारे असलाह लेके जा रहा हूँ, क्या कोई आदमी लेके जा रहा हूँ। बात करने के लिए आया तो मैं उसके साथ अकेले ही बात किया, और मैंने कहा क्या बात है, जो भी हो जो देख लो 19-20 कर लो, कोई बहुत तुम वहाँ रह रहे हो यदि चाहते हो कि तुम कुछ अधिक चाहिए तो ले लो, लेकिन मकान में बहनों को भी आना जाना फ्री होके आ जाएं, और हम लोग भी कभी यदि जाएं इच्छा हो जाए तो जाके रह लें, और तुम्हारा जो हिस्सा है उसमें कुछ बढ़ा के देना चाहते हो तो ले लो। ये वार्ता हुई लेकिन वो मानने को तैयार।